हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं लास्ट 3 HCS के प्रीलिम्स में 2021, 2019 और 2014, उनका एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो अगर बात करें कि कितने क्वेश्चंस हर साल पूछे गए हैं, तो 2021 में साइंस एंड टेक से 12 सवाल, 2019 में 18 और 2014 में 20 सवाल पूछे गए हैं। तो मतलब मिला के मान लीजिए 3 सालों में 300 में से 50 सवाल जो हैं वो आपके साइंस एंड टेक के थे। 12-20% वेटेज मान के चलिए जो आपके पेपर का रहता है वो साइंस एंड टेक से रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले 12 सवालों के साथ जो आपके 2021 में पूछे गए थे। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन मेकिंग ऑफ परफ्यूम्स। तो इसका देखिए, अगर बेस्ट पॉसिबल आंसर देखेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी थोड़ा है डिस्प्यूटेड ये भी, लेकिन इन तीनों की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा बी। सेकेंड, विच एसिड इज़ यूज इन द क्लीनिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, इसका आंसर रहेगा ए, नाइट्रिक एसिड। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंसर बी, केलिडोस्कोप। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है गलत रहेगा, ब्लॉकचेन इज ए क्रिप्टो करेंसी, वो क्रिप्टो करेंसी नहीं रहती है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी। फिफ्थ, दिस कंपाउंड इज कन्वेंशनली यूज फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग्स। तो कौन सा कंपाउंड है जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी, 1, 2 और 4। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पोर्टलैंड सीमेंट, CaO यूज होता है उसमें, CaOH2 नहीं। सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट वॉशिंग सोडा। अगर आप देखेंगे पहले 5 सवालों की ही बात करेंगे तो पहला सवाल आपका रहा है कहाँ से, केमिस्ट्री से, दूसरा भी केमिस्ट्री से, तीसरे की बात करेंगे फिजिक्स से, चौथा आपका जनरल करंट अफेयर्स बेस मान लीजिए, पांचवा अगेन आपका आप कह सकते हैं केमिस्ट्री से, सिक्स अगेन केमिस्ट्री से। देखें केमिस्ट्री का काफ़ी अच्छा वेटेज रहा है। सिक्स क्वेश्चन वॉशिंग सोडा के बारे में पूछ रहा है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है। केमिकल नेम उसका सोडियम कार्बोनेट है, जिसका पीएच क्या रहता है, मोर देन 7। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या रहता है, Na2CO3। और एक फोर्थ स्टेटमेंट सही है, इट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें, द सब्सटेंसेस विद द पीएच लेस देन 7, गैस्ट्रिक जूस, एप्पल जूस, कॉफी, लिक्विड इन कार्बेटरी, ऑल ऑफ दिस, डी इसका आंसर रहेगा। अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से, आपका केमिस्ट्री से। एट्थ, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग, सिल्वर, इसको देखेंगे आपका फिजिक्स से। डेप्थ ऑफ अ सी कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग सोनार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोनार, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 9th का बी, 1 और 3। इट यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ सी, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी टू रीच द डायरेक्ट डिटेक्टर इज यूज फॉर टू मेजर द डेप्थ, 1 और C। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, दो कॉलम दिए हैं उसको मैच करना है, आपका बायो से सवाल है, इसका आंसर रहेगा बी। टाइफाइड फीवर, हाई फीवर, स्टमक पेन, स्किन रैशेज सिम्टम्स दे रखे हैं, सेकेंड का डी, 3rd का ए और 4th का सी। 11th, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन एंड इंडाइजेशन वॉज एडवाइज टू बाय द डॉक्टर टू टेक प्रोबायोटिक्स। अगर आप देखेंगे तो इस बार जो UPSC का 2022 का प्रीलिम्स था उसमें भी प्रोबायोटिक्स पे एक सिमिलर सवाल पूछा गया है। 11th का आंसर है सी, प्रोबायोटिक्स क्या काम करते हैं, प्रोवाइड द बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर हेल्दी डाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन अगर देखें 2021 के पेपर का, डॉक्टर्स रिकमेंड रियल टाइम PCR टेस्ट फॉर COVID-19 पेशेंट्स, यहाँ पर करंट अफेयर्स बेस्ड साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी, द डायग्नोस्टिक टेस्ट डिटेक्ट क्या करता है वो RNA ऑफ ए वायरस। अब बात करते हैं 2019 के पेपर में जो 18 सवाल पूछे गए, पिगमेंट कंटेनिंग लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स आर, 13th का आंसर रहेगा सी, क्रोमेटाफोर। अब अगर 14th की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, वो पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी, प्रोकैरियोटिक। जो बाकी तीन है राइजोबियम, एजोक्टोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, लेकिन वो पूछ रहा है किस काइंड के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, तो आंसर रहेगा बी। 15th में भी दो कॉलम्स को मैच करा रहा है। अब जो एकेरोलॉजी होता है वो क्या होता है, स्टडी ऑफ माइट्स। अगर आप देखेंगे 1 का सी केवल सी में, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, एकेरोलॉजी, स्टडी ऑफ माइट्स। और साइटोलॉजी क्या है अपना, स्टडी ऑफ व्हेल्स। जियोपोनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। इथोलॉजी आपको पता ही है, स्टडी ऑफ फिश। अ हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड फाउंड बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोलिकुल्स ऑफ लो मोलिकुलर वेट इज कॉल्ड पॉलीमर। 17th, द वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हमने अपनी HCS की जो प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज थी उसमें भी डिस्कस किया है। तो अगर आप देखेंगे साइंस एंड टेक को अगर आप अच्छे से करना चाहें, तो आप जो हमारे 5 फ्री HCS मॉक टेस्ट थे
प्रीलिम्स के लिए, उसमें हमने साइंस वाले पोर्शन को सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर किया। अगर आप सब देखेंगे तो 500 में से मान के चलिए 100+ क्वेश्चन जो है हमारे साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से होंगे। तो आप वो 5 जो टेस्ट है उसको अच्छे से लगाइए, और उनके 10 डिस्कशंस हैं, 10 डिस्कशन वीडियो हैं, उसको भी एक बार अच्छे से देखिए। आपके काफ़ी हद तक साइंस का पोर्शन वहाँ से कवर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन में भी दो जो कॉलम्स हैं उनको मैच करा रहा है, ये पूछ रहा है कि किसने क्या इन्वेंट किया था। अगर इसमें बहुत सिंपल देखें तो जो रोइंगटन थे इन्होंने क्या किया था, एक्सरे की खोज की थी। तो 4th का बी देख लीजिए, 4th का बी, तो मतलब ये कट ये कट। अब आप देखेंगे अगर रदरफोर्ड ये ए के साथ है, 3rd का ए, तीसरा का डस रहेगा ए, लुईस पाश्चर एंजाइम लाइसोसोम एंड बेंजिफ पेनिसिलिन, 2nd का डी फ्लेमिंग ने क्या किया था, वैक्सीनेशन एंड माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। तो 18th का आंसर हमारा हो गया ए। अब अगर 19th की बात करें, वाई इज रेडियो कार्बन डेटिंग नॉट गुड फॉर मेटेरियल मोर देन 30,000 साल पुराने के लिए क्यों नहीं होती है, तो इसका आंसर रहेगा सी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ C14 बिकम्स ऑलमोस्ट इमेजरेबली स्मॉल इन 30,000+ ईयर्स। 19th का आंसर है सी। अगर बात करें 20th की, तो इन ट्रेजडीज कॉज बाय ड्रिंकिंग स्पूरियस लिकर द एक्टिव एजेंट कॉजिंग सच ट्रेजडीज इज मिथाइल एल्कोहल, तो इसका आंसर है ए। 21st की अगर बात करें, सभी दो कॉलम्स को मैच करा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। गैल्वेनोमीटर क्या है, जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को, मैनोमीटर प्रेशर ऑफ गैसेस को, और जो टोनोमीटर होता है ये क्या करता है, प्रेशर करता है आई का मेजर। 4th का होगा ए। यही बात करें हम 22nd की, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज लेटेंट हीट। 23rd में दो कॉलम्स को मैच करना है, उसका आंसर क्या रहेगा 23rd का डी। बायोकेमिस्ट्री क्या है, केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मटेरियल केमिस्ट्री डी, फिर 3rd की बात करें ए और 4th की बात करें बी। 24th क्वेश्चन की बात करें, द साइंस बेस्ट सेलर एक बुक थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके लेखक कौन थे, स्टीफन हॉकिंग। 24th का आंसर रहेगा हमारा ए। 25th में भी दो कॉलम्स को मैच करा रहा है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, नेचुरल गैस मीथेन प्लस इथेन, सीएनजी में मीथेन, एलपीजी में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा ए। अब अगर यहीं बात करें 26th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडियो एक्टिव पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा होते हैं, डेल्टा नहीं होता, तो 26th का होगा बी। पैलाकोन्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉसिल्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या बोलते हैं, 28th का आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ए। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज बॉम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स इट ब्रेक्स अप इनटू टू ऑफ द नियरली इक्वल मासेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, फिशन। ब्रेकअप को फिशन बोलते हैं, जो मिल जाते हैं उसको फ्यूजन। लास्ट क्वेश्चन 2019 के पेपर का, द बायोलॉजिस्ट हू डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल्स, सबसे आसान सवाल इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक, 30th का ए। हमने दोस्तों अभी तक 2021 के 19 के 18 सवाल डिस्कस कर लिए, अब हम करेंगे 2014 के जो पूछे गए 20 सवाल। इस तरह से हमारे टोटल 50 सवाल पिछले 3 प्रीलिम्स के कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं 31st क्वेश्चन से। वो पूछ रहा है हीमोग्लोबिन क्या है, तो 31st का करेक्ट आंसर होगा ए, आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटलो प्रोटीन इन द RBCs ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ फिश फैमिली एज वेल एज द टिश्यू ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। 32 इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे आसान सवाल ग्रीन हाउस इफेक्ट। बोहर मॉडल जो है ये क्या एक्सप्लेन करता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज इन एन, इसका करेक्ट आंसर होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलोइडल सॉल्यूशन इट गेट्स कोएगुलेटेड, बी। 36 द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्शन फेज इन अ ज़िगज़ैग मैनर इज नोन एज, करेक्ट आंसर इज डी, ब्राउनियन मोशन। 37 पाइन फर स्प्रूस सेडार लार्च एंड सिप्रेस आर द फेमस टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स ऑफ विच सेवरल ऑल्सो अकर वाइडली इन द हिली रीजन ऑफ इंडिया, ऑल दिस बिलोंग्स टू जिम्नोस्पर्म्स, बी। 37th का रहेगा बी। 38 मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी। 39 ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाट इज इनकरेक्ट इन दिस स्टेटमेंट, ए एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट गिवन। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व, बी कैपिलरी एक्शन फिनोमेनन। 41 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ पीरियडिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, तो 41 का आंसर क्या रहेगा, 41 का आंसर रहेगा बी, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बट वाइब्रेटिंग इन फेज। 42 सोलर स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ, बी लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
बात करें 43rd की, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी. ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन पर करता है लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है. 44th, कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ये जानने के लिए कि स्पोर्ट्समैन ने कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग तो नहीं ले रखा है. डोप टेस्ट. 44 का आंसर होगा डी. 45, एलपीजी इज अ मेनली अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. आपने ऊपर भी देखा था सेम सवाल सी. 46, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम फाउंड इन नेचर. सबसे कॉमन आइसोटोप यूरेनियम का जो नेचर में मिलता है वो कौन सा, यूरेनियम 238, ऑप्शन नंबर बी. 47, बायो फर्टिलाइजर्स आर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. 48, लिविंग सेल्स आर नॉट एसेंशियल फॉर, ना वो एवेपोरेशन के लिए होते हैं ना ग्यूटेशन के लिए ना ट्रांसपिरेशन के. तो करेक्ट आंसर होगा डी. 49, द मेजर फंजाई दैट अफेक्ट फूड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर एस्परगिलस, ऑप्शन नंबर ए. तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मैस्टाइटिस इन एनिमल्स इज ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस, ऑप्शन नंबर सी. तो दोस्तों इसी तरह से हमने क्या किया है कि पिछले तीन प्रीलिम्स के 50 क्वेश्चंस का ब्रीफ में डिस्कशन कर लिया है. अब आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 2014 की बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक सवाल थे, लेकिन 2021 में जहाँ थोड़ा एचसीएस ने पैटर्न चेंज किए हैं, थोड़ा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी थे और बहुत ज़्यादा स्टैटिक नहीं थे. और 2021 के पेपर की खास बात यह थी कि केमिस्ट्री पे मेन फोकस रखा गया है. बाकी दोस्तों इसी वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल nee_civil से भी ले सकते हैं. और आप हमारी एचसीएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज़, जिसके हमने 5 टेस्ट कराए और 10 डिस्कशन वीडियोस दिए हैं, उन वीडियोस को बैक टू बैक रिवीजन कर सकते हैं. शॉर्ट वीडियोस हैं, आपके प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले आपका अच्छा रिवीजन दे जाएंगी. बाकी हमारे जो और कोर्सेज चल रहे हैं, UPPCS की मेंस टेस्ट सीरीज़ और BPSC की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, उस सब की इन्फॉर्मेशन भी आप हमारे इसी टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं. अगर आपको हमारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी और अपने काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. Thank you.